हम लोग पहुंच चुके हैं याहू मोटर्स और यहाँ पे रेवा ने ये वाला सेलेक्ट किया, ये वाला पीस। यहाँ पे देख रहे हो पूरा R15 का सेट पड़ा हुआ है। लड़की तो पागल हो रही है। ओहो भाई, यहाँ पे गाड़िया चेक मारो, बहुत सारी गाड़िया। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ऑटो रेप से। एक चलो भाई, लगा दे अपने काली को कॉल स्टार्ट पे। कैसी अपनी YouTube की प्यारी प्यारी जनता, आप सभी को जय श्री राम। होप करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और गाइज अच्छे ही रहना। चलो भाई, काली अपनी कॉल स्टार्ट हो चुकी है और अभी टाइम देख रहे हो 4:55 हो रहा है, मतलब थोड़ी देर बाद जाके ढल जाएगा शाम और अंधेरा हो जाएगा। बाकी का सीन काली को राइड करते हुए बताता हूँ। तो यहाँ से फुल पावर निकलते हैं। निकलने से पहले हमेशा चेक करना चाहिए गाइज 10 उठाया कि नहीं, क्योंकि इसके चक्कर में गाइज इंजन स्टार्ट ऑफ हो जाता है। चलो निकलते हैं, जय बजरंग बली की जय। तो भैया जी, सीन क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सीन कुछ ऐसा है कि कुछ दिनों पहले हम लोग गए थे यामाहा के शोरूम, तो वहाँ पे बाइक वगैरह देखा, अच्छा ही लगा। और रेवा सेकेंड हैंड बाइक के शोरूम पे भी जाना चाहते थे, तो मैंने बोला एक बार सब जगह से तुम देख लो, उसके बाद तुमको जहाँ पर कंफर्टेबल लगे वहाँ से लेना। सेकेंड हैंड बाइक का वाइज डिसएडवांटेज यही है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो कोई ना, चलो वो एक बार वहाँ पर भी जाके देख लेगी और अंधेरा होने से पहले अगर पहुँच जाएंगे तो आप लोगों को भी दिखा देंगे। और यहाँ पे ऑटो रैप से आने के टाइम पे यहाँ पे घुस जाएंगे, मुझे भी कुछ करवाना है तो लेट्स सी, होता है तो अगर यहाँ पे भी टाइम मिलता है तो घुस जाएंगे। और वॉशिंग सेंटर को देख के गाइस, मुझे अपने काली का वॉश भी करवाना है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे जो वेदर चल रहा है ना फिलहाल बहुत ही ख़राब चल रहा है। अगर मैं वॉश भी करवा लेता हूँ ना, तो अगर बारिश आ जाएगा एक ही बारिश में गाइस पूरा काली गंदी हो जाएगी, तो मैं वो चाहता नहीं हूँ। तो एक बार वेदर वगैरह सब कुछ सही हो जाए, देन उसके बाद अपने काली को फुल पावर वॉश करवाएंगे गाइस। गणपति बप्पा मोरिया। चलो यहाँ पे तो आना था रेवा को, लेट्स सी वो आई है कि नहीं, नहीं आई तो कॉल करना पड़ेगा गाइस। रेवा आ चुकी है। इस टाइम को ना गाइस सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक का सीन आप लोगों को क्या ही दिखाए। थोड़ा आगे जाके जब क्लियर रोड आ जाएगा वहाँ से अच्छे से ब्लॉग बनाते हैं, सही है। तो भाई ट्रैफिक से निकल आ चुके हैं और अभी फिलहाल हम लोग हैं फ्लाईओवर पे। इस वाले फ्लाईओवर पे गाइस ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगता। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ जो भी सीन हुआ है उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, ऐसे ही आपके भाई को सपोर्ट करते रहना। और गाइस मैं रेगुलर होने का ट्राई कर रहा हूँ, देख रहे हो गाइस डेली व्लॉग आ रहे हैं अपने चैनल पर, तो भाई फुल पावर सपोर्ट करना। और रॉकेट की जरा जा रही है लड़की, हम भी किसी से कम है के। उड़ीसा से बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और जिन भी जगह से आप लोग देख रहे हो भाई कमेंट डाउन कर देना, मैं जगह का नाम ले लूँगा भाई। और भाई कुछ दिनों से रेगुलर ब्लॉग अपलोड करके भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और आप लोगों का जितना भी कमेंट है ना सब कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नहीं पढ़ता हूँ। रेगुलर ब्लॉग अगर करता हूँ ना तो गाइज रिप्लाई वगैरह देने में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मैं रिप्लाई 100% दूंगा गाइज। मैं सिर्फ हार्ट नहीं देता हूँ, साथ में भाई मैं रिप्लाई भी देता हूँ। भाई जितना हो पाए आप लोग कमेंट ज़रूर से करना, आपका भाई डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई देगा भाई। से गाइस देखो काफी सुंदर लग रहा है ना भाई, पीछे सनसेट हो रहा है गाइस। सो गाइस यू टर्न मिल जाए फटाफट से, क्योंकि इन सारे जगहों पे ना गाइस यू टर्न मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। गाइस मिल गया मिल गया मिल गया, यू टर्न मिल गया, यू टर्न मिल गया गाइस। तो भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं याहू मोटर्स और यहाँ पे रेवा ने ये वाला सेलेक्ट किया, ये वाला पीस। अभी फिलहाल तो वो देख रही है कैसा है, स्क्रैच व्रैच वगैरह देख रही है, बाकी बाइक का कंडीशन कैसा है वो भी देख रही है। बाकी हम लोग गए थे गोदाम में और भी बाइक्स देखने के लिए, वहाँ पर वीडियो वगैरह शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग बाइक देखने में मशरूफ थे। बाकी ये वाला पीस कैसा लगा रेवा बताओ। बाकी यहाँ पे फुल पावर सीन चेक करते हैं गाइस, देन आप लोगों के साथ मोटर ब्लॉग में मिलते हैं। बाकी एक बार बाइक चेक कर लेते भाई, यहाँ पे देख लिया ये वाला आया मैं। बाकी रेवा देखती है गाइस क्या ही करती है। बाकी गाइस यहाँ से एक सनसेट में आप लोगों को चेक करवाता हूँ। गाइस नीचे हो गया, ऊपर उस साइड से बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस, सनसेट काफी कमाल का हो रहा है। आगे और एक सेकेंड हैंड शोरूम है नॉर्थ ईस्ट करके, वहाँ पर भी हम लोग जाके चेक वगैरह करवेंगे। और रेवा और एक जगह पर जानते हैं, वहाँ पर भी जाना चाहते हैं लड़की। एंड देन हम लोगों ने प्लान किया है कि आज ऑटो रेप में जाके दिस इज आकाश यहाँ पे लिखवाएंगे, लेट्स सी गाइस क्या होता है। लेकिन ये सब जितना भी काम है ना ये सब करवाने पे गाइस अंधेरा हो ही जाएगा, लेकिन आज सोचे तो फुल पावर करवा ही लेंगे गाइस। ओहो भाई, मजा ही आ रहा है गाइस। तो गाइस पहुंच चुके हैं नॉर्थ ईस्ट ऑटो वर्ल्ड, यहाँ पे पार कर दो ना।
यहाँ पे पार्क कर दो। काम करो घुमा लो उस साइड को पार्क करेंगे। आए हैं तो यहाँ पर भी एक बार चेक मार लेते हैं गाइस, सामने की तरफ पार्क करते हैं अपने काली को और देन फुल पावर चेक मारते हैं गाइस। यहाँ पे देख रहे हो पूरा R15 का सेट पड़ा हुआ है, लड़की तो पागल हो रही है। चलो गाइस पूछ लेते हैं एक बार प्राइस वगैरह। यहाँ से निकल चुके हैं, अभी जाएंगे और एक सेकेंड हैंड शोरूम पे, वहाँ पर भी जाके देखेंगे कौन सा क्या प्राइस है। वहाँ पे रेवा ने मुझे बोला कि V3S है ब्लू करके एक, अभी जाके देखेंगे। और भाई लोग अगर आप लोगों को गुवाहाटी में सेकेंड हैंड शोरूम का डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। आज तो हम लोग बनाने के लिए नहीं आए थे, आज हम लोग देखने के लिए आए थे। बाकी अगर आप लोगों को चाहिए तो किस वाले शोरूम का चाहिए मुझे ज़रूर से बताना, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे बाइक्स वगैरह है मैंने देखा। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर से बता देना। बाकी फुल पावर चलते हैं वहाँ पे। अभी देख रहे हो भाई अंधेरा हो चुका है, उसके बाद हमको ऑटो रैप्स भी जाना पड़ेगा। भाई यहाँ पे गाड़ियाँ चेक मारो, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और रेवा ने ये वाला चेक किया है, ये R15S है भाई, इसको फाइनली ऐसी चाहिए। लेकिन यहाँ पे और भी सारी गाड़ियाँ हैं, एक ही R15 का पीस है गाइस। हाँ एक ही है, और मुझे अच्छा वाला गाड़ी चाहिए इसलिए मैं इसको मतलब चॉइस कर रहा हूँ। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ऑटो रैप से। एक भाई ने कमेंट किया था, भाई अभी आप जब भी रैप करवाओगे ऑटो रैप से करवाना। तो आज रैप तो नहीं, लेकिन यहाँ पे अपने चैनल का नाम मैं लिखने वाला हूँ। अभी तो टाइम थोड़ा बहुत लगेगा गाइस, क्योंकि काम चल रहा है। वहाँ पे एक R15 देख सकते हो, नया नवेला है वाइट वाला, जो वो भाई पूरा रैप हो चुका है, देख रहे हो दूर से मैं दिखा दे रहा हूँ। फाइनली भाई लोग लग चुका है रात में, शायद से इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने दिस इज आकाश लिखा है, नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से आप लोगों को दिखा दूंगा। अंधेरे में शायद से आ नहीं रहा होगा, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा भी देता हूँ गाइस। अभी देख रहे हो रात के 8:12 बज रहे हैं। देखो गाइस कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना। अभी कहाँ, अभी घर पर जाने वाला हूँ, यहाँ पे बहुत टाइम चला गया ना। सेलेक्ट कर लिया हमने, फाइनली सेलेक्ट कर लिया, होप सो वही वाला ले। बाकी रिवील वगैरह हम लोग अभी नहीं करने वाले, थोड़ा टाइम जाने दो, डायरेक्ट बाइक ही आएगा। भाई रेवा ने तो यहाँ पे ब्लॉग एंड कर दिया, मैं भी एंड करने वाला हूँ गाइस यहाँ पे ब्लॉग। फाइनली दिस इज आकाश का लोगो लग चुका है अपने काली पे। बाकी मैंने भैया से कुछ बात किया रैपिंग के रिलेटेड, बहुत ही जल्दी अपने काली में भी रैप चढ़ने वाला है। तो फुल पावर गाइस, कमेंट करो, लाइक करो ब्लॉग को और शेयर करो अपने दोस्तों में ब्लॉग को। और चैनल पे गाइस जो भी नए हो फटाफट जाके सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो और खुशियाँ बांटते रहो डियर्स। बाय बाय।